देश के अंदर पर्यावरण एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने से बहुत लोगों का जीवन, खासकर गरीब आदमी को उस पर्यावरण से जीवन रक्षक होगी, जीवन रक्षा होगी, क्योंकि जो क्योंकि वे एक घर में 20 आदमी रहते हैं, और दूसरा जो पानी का लेवल नीचा चला जा रहा है, कानून तो बने, हर नक्शे के पास करने पर लिखा रहता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है, लेकिन कड़ाई से पालन नहीं होता। तो नगर निगम ने, मेरे द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि अगर कोई व्यक्ति रेन वाटर हार्वेस्टिंग घर में कराता है और हमको उसको दिखाता है, तो हम उसको 5% की जो उसका गृह कर है छूट देंगे। दूसरा, अगर व्यक्ति अपने घर में 20% एरिया में सोलर लगाता है, जिससे ऊर्जा की बचत होगी, और ऊर्जा की बचत होने से देश में गरीब आदमी को सबको एक लाइट मिलेगी। और तीसरा प्रस्ताव हमने पारित किया, क्योंकि ऊर्जा बचत भी देश के लिए जरूरी है, तीसरा हमने पारित किया कि अगर अपने घर में अगर आप 20% एरिया में ग्रीनरीज लगाते हैं, तो उस पर जो है हमने 10% की छूट दी। ऐसे जिसके 30% ज़्यादा क्षेत्रफल में अगर ग्रीनरीज लगी है और वाटर हार्वेस्टिंग भी है, तो उसको टोटल 10% की छूट दी जाएगी। महापुरुषों के संबंधित भवन, हेरिटेज भवन, इन पे जो है अगर तीनों व्यवस्था की जाती है उनके अंदर, महापुरुषों में हेरिटेज जो हमारी संरक्षित, हमने जो पौराणिक चीज़ों को संरक्षित करने को जो एक योजना बनाई है, उसमें अगर वो तीनों चीज करता है वो हेरिटेज, तो उसको 25% की छूट दी जाएगी। इसलिए हमारी इसमें भावना ये है कि लोग प्रोत्साहित होकर, अभी तक कानून बने लेकिन कहीं ना कहीं सरकारी व्यवस्थाएं इतनी सजल नहीं, इतनी सख्त नहीं है, जिसके कारण लोग उसकी बाध्यता को माने। तो एक तरीके से लोगों को प्रोत्साहन करना, और आपकी बचत से पूरे आम जनमानस में लाभ मिलेगा, ये हमारा उद्देश्य है।